दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है तो बहुत ही सिंपल, मगर बहुत से बिगिनर्स इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करना तो शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूव भी कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि वो ड्राइंग कर रहे हैं या फिर स्केचिंग कर रहे हैं। और शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ यानी के आदित्य के साथ। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं स्केचिंग की। उप्स, ये तो स्केचिंग नहीं है, ये तो स्केचिंग का भी बाप है। खैर, ये तो मजाक था। सो दोस्तों, स्केचिंग की बात कर लेते हैं पहले। देखिए, आपको जो शुरुआत है वो तो स्केचिंग से ही करनी चाहिए, क्योंकि अब स्केचिंग में जो है ड्राइंग से बहुत ही कम टाइम लगता है और स्केचिंग की अच्छे से प्रैक्टिस आपकी ड्राइंग को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकती है। क्या नहीं समझे? तो बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए बॉलीवुड की कोई नई मूवी आने वाली है। खैर, पूरा इंडिया बॉलीवुड का फैन है तो आसान रहेगा समझने के लिए। तो मान लीजिए कोई बॉलीवुड की नई मूवी आने वाली है और मूवी के आने से पहले क्या आता है, उसका ट्रेलर। तो जो ट्रेलर है वो है स्केचिंग और जो पूरी मूवी है वो है ड्राइंग। अब ट्रेलर में क्या होता है कि मूवीज़ के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को दिखाया जाता है, कुछ डायलॉग्स को हम सुन सकते हैं। तो वैसे ही स्केचिंग में क्या होता है कि हम एक ड्राइंग को पूरी डिटेलिंग में नहीं बनाते, काफ़ी ज़रा उसमें डीप नहीं जाते, बस एक रफ सा स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। आपकी जो ड्राइंग है वो बाहुबली की तरह होनी चाहिए और बाहुबली की तरह ड्राइंग होने के लिए आपको स्केचिंग भी अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आपको राधे मूवी की तरह अपनी ड्राइंग बनानी है तो फिर तो आपको ना तो कुछ ज़्यादा स्केचिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कुछ भी कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप समझदार लोग समझ चुके होंगे, और जो नहीं समझे उनके लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक कोई भी सिंपल पेन या पेंसिल की मदद से कहीं भी घूमते फिरते, कहीं भी बैठकर कुछ भी जल्दी जल्दी से ड्रॉ करना स्केचिंग है। और ड्राइंग में आप अपना आराम से एक अपना समय लेकर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स या फिर कलर्स का इस्तेमाल करके अपना एक बढ़िया सा आर्ट वर्क बनाते हैं। आई होप कि ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, और जिनको समझ आया होगा वो वीडियो को लाइक किए बिना तो जाएंगे नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि स्केचिंग की शुरुआत कैसे करें, स्केचिंग में हम क्या ड्रॉ करें, कैसे करें, इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिस एंड कीप ग्रोइंग।